Hey, Naya. Niska. 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 हेलो एंड वेलकम। हम जा रहे हैं मायामी, वहाँ से हम पकड़ेंगे क्रूज़। हमारा स्टे है 2 दिन का मायामी में। हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, हमने चेक इन बैगेज को चेक इन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी होने के बाद हम नीचे गए जहाँ पे हमारा गेट था, जहाँ से हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी थी, और ये हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में। नाया निष्का बिल्कुल सोए नहीं थे, तो इन्होंने बहुत सारी मस्ती करी फ़्लाइट के अंदर। दोनों जन को मेरे पास ही रहना था, उसके बाद में फिर ये एक एक जन करके सो गए, तो हमें आराम से 4.5 घंटे हमारे फ़्लाइट में निकल गए। उस टाइम ये फीड करके सोते थे, तो मैंने इन दोनों जन को नर्स कराया और ये सो गए। अब हम पहुंच गए हैं मायामी एयरपोर्ट। उसके बाद में यहाँ से हम कैब लेंगे और अपने एयरबीएनबी में जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है, यहाँ का टाइम जोन भी थोड़ा अलग था, तो हम रात में पहुँचे हैं। हम डिनर करेंगे और आज हम सो जाएंगे, बाकी की चीज़ें हम कल ही करेंगे। उस टाइम नायानिष्का ने जस्ट चलना शुरू किया था, लगभग 1-2 हफ्ते ही हुए थे, तो हमको इतना मज़ा आ रहा था ना, जब ये एयरपोर्ट पे चल रहे थे वॉबली वॉबली, ऐसे कहीं गिर रहे थे कहीं उठ रहे थे ऐसे। एयरपोर्ट से बाहर निकल कर थैंकफुली ये लोग स्ट्रोलर में बैठ गए थे और हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं। नायानिष्का को तो इतना मज़ा आ रहा था ना, ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। एक और हमारा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था कि हम जनवरी में न्यू जर्सी से गए थे, यहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर था और मायामी में लिटरली हमें पसीने निकल रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारी कैब आ गई है। अंकित ने सारा सामान अंदर रख दिया है, एक बेबी भी अंदर बैठ गई है, अब दूसरे का नंबर है। हम इनको बिठाएंगे कार में और हम सीधे अपने एयरबीएनबी पहुंच जाएंगे। ये है हमारा छोटा सा कोजी सा बीएनबी स्टे। नहानिश्का को बहुत मज़ा आई थी यहाँ पे, और काफ़ी कोजी सा था, अच्छा सा सुंदर सा। वहाँ पे सामने एक डॉग था जो इनको डर लग रहा था, वो भौंक रहा था तब। हम लोग अभी मायामी में हैं और हमने खाना ऑर्डर किया था यहाँ पे, ये इतनी सी सब्ज़ी, थोड़ा सा रायता, दो तंदूरी रोटी। राइस तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है सब्ज़ी के साथ यहाँ पे, और ये एक नान। इतना खाना हमें आया है $60 में, तो अगर $80 के रेट के हिसाब से भी जोड़े तो कितने, 4,500 का खाना हो गया ये। 4,500 रुपये में ये थोड़ा सा खाना आया है हमारे लिए। और तुम खाने भी नहीं दोगी हमें नाया? खा तो लेने दो चैन से। खाना खाने के बाद हम निकल गए मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग वॉक पे। हमें जाना था ग्रॉसरी स्टोर, जहाँ से हमें नायानिष्का के लिए दूध और फ्रूट्स लाने थे, तो हमने देखा कि पास में ही 2-3 मिनट के वॉक पे एक ग्रॉसरी स्टोर था, तो हमने इनको बाहर स्ट्रोलर में निकाला और हम चले गए दूध लेने। उसके बाद आके हम सो गए।